Hello everybody, this is Dipendu Mandal from Safe Stock 31 Investment. मैंने ये वीडियो पहले अपलोड किया था, तो आप सभी का रिक्वेस्ट में मैंने इसको साउंड इफेक्ट दे रहा हूँ. तो इसको आपको जो कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करना है, कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करके उसको 8 पीरियड का सिंपल मूविंग एवरेज लगाना है और 20 पीरियड का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है और MACD लगाना है, MACD इंडिकेटर लगाना है. उसके बाद आप देखना है कि कब 8 पीरियड मूविंग एवरेज 20 पीरियड मूविंग एवरेज को नीचे से ऊपर में क्रॉस ओवर कर रहा है, उसी टाइम MACD सिग्नल लाइन भी जीरो का ऊपर होना चाहिए. और इसको आपको कोई भी बीप मूवमेंट कैप्चर करने के लिए हेल्प करेगा. एंड आप शॉर्ट, जब शॉर्ट करना है तो 8 पीरियड सिंपल मूविंग एवरेज, 20 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ऊपर से नीचे क्रॉस करना चाहिए और MACD सिग्नल लाइन जीरो होना चाहिए, जीरो के नीचे होना चाहिए और क्रॉस ओवर तो होना ही चाहिए. बस यही सिंपल एक तरीका है कोई भी स्क्रिप्ट का बीप मूवमेंट कैप्चर करने के लिए. आप इसको आप क्वेश्चन आते हैं कि आप कौन सा, कौन कौन स्टॉक में, कौन से स्क्रिप्ट में आपको ये सिचुएशन बन रहा है, तो इसके लिए आप charting.com में जाइए. उधर क्रिएट स्कैन कीजिए, क्लियर स्क्रीनर कीजिए. उसके बाद आप उसको फिल्टर जो टैब है उसको क्लिक कीजिए. उसमें से मेनू से आप क्लोज सिलेक्ट कीजिए. क्लोज सिलेक्ट करने के बाद आप SMA सिलेक्ट कीजिए. SMA इससे आप उसको SMA का वैल्यू रखिए 8 क्लोज 8. उसके बाद आप इससे क्लोज फिल्टर में फिल्टर टैब दबाइए. उसके बाद फिर क्लोज कीजिए, क्लोज सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद फिर 20 पीरियड का EMA आप सिलेक्ट कीजिए. 20 पीरियड का EMA फिर से EMA सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद उसका वैल्यू 20 रखिए. उसके बाद MACD सिलेक्ट कीजिए, फिल्टर में फिल्टर से MACD सिलेक्ट कीजिए. MACD सिलेक्ट करने के बाद उसका सिलेक्ट कीजिए, MACD लाइन सिलेक्ट कीजिए. उसके बाद सिलेक्ट कीजिए क्रॉस अबव. उसके बाद देखिए वैल्यू दीजिए 0. आप स्कैन को रन कीजिए. आप कैश में कर सकते हैं, आप फ्यूचर में स्कैन कर सकते हैं, आप निफ्टी इंडिसेस भी कर सकते हैं, आप निफ्टी 200 कोई किसी भी स्क्रिप्ट में कर सकते हैं. तो ये आपको वीक मूवमेंट से मूवमेंट कैप्चर करने से हेल्प करेगा. तो देखते हैं आपको ये वीडियो पसंद होगा.